मैम क्या नाम है आपका? लक्ष्मी सोलंकी। मैम कहाँ से आए आप? कुल्लू से। कुल्लू से आए हैं? अभी यहाँ पे रहते हैं या मतलब कुल्लू में ही रहते हैं? कुल्लू में रहते हैं। कुल्लू में रहते हैं। आपके बच्चों का आज टेस्ट होगा, फाइनल राउंड होगा ना? हाँ जी। तो मैम अब जो बच्चे जो अबेकस सीख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जब नहीं सीखते थे उस टाइम भी इतनी फास्ट कैलकुलेशन कर लेते थे या अभी ज़्यादा फास्ट करते हैं? अभी ज़्यादा करते हैं, सीखने के बाद ज़्यादा करते हैं। तो मैम अबेकस सीखने से आपके बच्चों को क्या बेनिफिट्स मिले? उनकी मेमोरी जल्दी मतलब कवर कर सके और जल्दी से अपने प्रश्नों को हल कर सके। तो आपको क्या लगता है कि कैलकुलेटर ज़्यादा फास्ट काम करता है या आपके बच्चे ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं? अभी सीख रहे हैं ना मैडम, तो वो भी फिर धीरे धीरे सीख जाएंगे और ज़्यादा फास्ट करने लग जाएंगे। क्या नाम है आपका? मीरा। मीरा मैम आपको क्या लगता है कि आपके बच्चे जो हैं वो ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं क्या? बच्चे ज़्यादा फास्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। बच्चे ज़्यादा फास्ट कर ले। तो मैम आपको क्या लगता है कि अबेकस सीखने से क्या बेनिफिट्स मिले उनको? उनको मतलब प्लस माइनस में जो भी करना है उनको जल्दी जल्दी कर पा रहे हैं वो, और स्कूल में भी उनको उसी वजह से हेल्प हो रही है। जो बच्चे अबेकस सीख रहे हैं उसके बाद फास्ट कैलकुलेशन करते हैं या उससे पहले भी फास्ट ही करते थे? उससे पहले फास्ट नहीं कर पाते थे, अबेकस सीखने से फास्ट करवा रहे हैं। कहाँ से आए आप? मैम कुल्लू से आए हैं। कुल्लू से आए हैं, अभी यहीं पे रहते हैं या कुल्लू में ही रहते हैं? कुल्लू से ही आए हैं हम। कुल्लू से ही आए हैं। अच्छा, आपके बच्चों का आज टेस्ट होगा? जी जी, दोनों दो बच्चे हैं मेरे, अक्षरा और निशान, दोनों के टेस्ट है। जी जी। मैम आपको क्या लगता है कि अबेकस सीखने से क्या फ़ायदा मिला उनको? एक तो उनका मैथ का जो कैलकुलेशन है वो फास्ट हो गया और ब्रेन भी डेवलप हो रहा है, तो आगे भी मैथ चाहिए उसके लिए तो वो फास्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं। उससे ज़्यादा फास्ट कैलकुलेटर काम करते हैं या फिर बच्चे काम करते हैं? बच्चे, बच्चे ज़्यादा काम करते हैं। मैम हमें ये बताइए कि अबेकस सीखने से पहले भी इतना फास्ट कर लेते थे बच्चे कैलकुलेशन या पहले मतलब पहले भी ऐसे ही करते थे? नहीं नहीं, पहले तो जैसे कॉपी पेन पे लिखेंगे आज उंगली के ऊपर ही कर लेते हैं, माइंड में ही सम कर लेते हैं, तो जितना हम कैलकुलेटर पर टाइप करेंगे उससे पहले तो हमें आंसर दे देते हैं। सुजानपुर में ही रहते हैं? हाँ जी मैम। आपके बच्चों को जो अबेकस सीख रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि उससे क्या फ़ायदा मिला? मैम उससे ना अबेकस में मतलब डालने से हमें क्या हुआ कि इनको कॉन्फिडेंस आ गया मैथ्स में, काउंटिंग फर्स्ट हो गई है एज अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर, ये कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर रहे हैं, और जो मैथ्स के क्वेश्चन में टाइम लगाते थे ये वो भी फास्ट हो गया है इनका, मतलब बहुत जल्दी कैलकुलेशन करते हैं, तो मतलब ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं हमारे लिए जो कि आगे चल के मैथ्स में काउंटिंग बहुत अच्छी कर लेंगे, मतलब ये मैथ्स बहुत बेटर हो जाएगा इनका। सही कहा मैम आपने कि मैथ्स जो है वो बहुत सही हो जाएगा इनका। तो मैम अबेकस सीखने से पहले भी इतनी फास्ट कैलकुलेशन करते थे या बाद में? नहीं, हमने इसकी जो है ना मतलब अच्छी जो मतलब इससे जो हमें बेनिफिट होंगे वो हमने पहले उसके बारे में पता किया सब कुछ, उसके बाद ही हमने अबेकस में डाला कि इससे हमारे बच्चों को क्या फ़ायदा हो सकता है, हमें सही लगा इसीलिए हमने डाला और हमें उसके अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अबेकस में पढ़ने से आपके बच्चों को क्या फ़ायदा मिला? एक तो मैथ्स की जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी फास्ट हो गई है, जैसे आगे जब ये बड़े होंगे तो जो अलाइड के टेस्ट वगैरह होते हैं, कमीशन के टेस्ट वगैरह होते हैं, उसके लिए जो एटीट्यूड टेस्ट आता है उसके लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी इनको, तो मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं उसके लिए UPSC के लिए या जो एटीट्यूड टेस्ट के लिए वो अभी से मतलब प्रिपरेशन ठीक है इनकी, काफ़ी फ़र्क है पहले से, ठीक है। मैम अब हमें ये बताइए कि आपके बच्चे जो अबेकस सीखने के बाद इतनी फास्ट कैलकुलेशन करते हैं या पहले भी ऐसे ही करते थे? नहीं, अबेकस सीखने के बाद ज़्यादा फास्ट करते हैं।
क्या कहाँ से आए आप? मैं सुंदर नगर। नाम क्या है? डिस्ट्रिक्ट मंडी। मेरा नाम तमन्ना ठाकुर। यही है कि अबेकस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए, जैसे कि कंपटीशन डे बाय डे हो रहा है, कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा हो गया आजकल, तो उसके अकॉर्डिंग जो है अबेकस शुरू करना चाहिए, हर स्कूल में होना चाहिए, क्योंकि हर जगह अकेडमी तो होती नहीं है। कुछ एरियाज़ हमारे ऐसे इंटीरियर एरियाज़ होते हैं तो वहाँ पे अकेडमी वगैरह या पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं भेज सकते हैं, तो उसके लिए स्कूल में शुरू होनी चाहिए ये चीज़। कहाँ से आए आप? मैं यहाँ गांधी चौक से। क्या नाम है आपका? काव्या। काव्या, अभी आपको अबेकस सीखना कैसा लगता है? बहुत अच्छा। कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस कर लेते हो आप? हम 10 मिनट में कुछ 200 तक क्वेश्चन कर लेते हैं। 200 तक? ओके, आज आपका टेस्ट है ना? यस। फाइनल राउंड का? यस मैम। तो उसके लिए कितना कॉन्फिडेंट हो? कॉन्फिडेंट भी है और नर्वस भी है थोड़े थोड़े। नर्वस क्यों हो? थोड़ा डर तो लगता ही है। नहीं, डर के आगे जीत है अभी। यस यस। क्या बोलना चाहोगे इसके ऊपर? कुछ नहीं, वैसे तो कॉन्फिडेंस है कि हम कर सकते हैं, बाकी पता नहीं। ओके ओके, अपने कॉन्फिडेंस को है, जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना उसको लो नहीं करना, हाई रखना है, ठीक है? यस मैम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हेलो मैम। कहाँ से आए हो आप? मैं न्यू हाउसिंगवुड कॉलोनी। ओके, क्या नाम है आपका? श्रेया। श्रेया, आपका आज फाइनल टेस्ट है ना अबेकस का, तो उसके लिए कितना कॉन्फिडेंस हो आप? मैम कॉन्फिडेंस है, बट ओवर कॉन्फिडेंस भी अच्छी चीज़ नहीं होती ना, सो कॉन्फिडेंस है। ओके, ओवर कॉन्फिडेंस होना भी नहीं चाहिए। यस मैम। ओके, आप मुझे ये बताइए कि जैसे आप अबेकस सीख रहे हो तो कैसा लगता है आपको अबेकस सीखना? मैम अबेकस एक बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब जो कम्पिटेटिव एग्जाम्स है उनमें मतलब कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ये बहुत हेल्प करता है हमें ज़्यादा, मतलब ज़्यादा इजीली और स्पीड से हम मतलब पेपर सॉल्व कर सकते हैं, तो इट्स अ गुड थिंग। कितने टाइम में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं? अबाउट 10 मिनट्स में मैं 250 क्वेश्चन कैन आई सॉल्व। ओके, तो मुझे ये बताइए कि अबेकस सीखने से और सब्जेक्ट्स में भी आपको कोई बेनिफिट्स मिले या नहीं मिले? नो, दैट्स अ बेनिफिट। मतलब मैथ्स में ना मतलब कैलकुलेशंस के लिए वही फिर बहुत बेनिफिट रहता है, मतलब फिर वो फाइनल एग्जाम्स के लिए इतना टाइम नहीं होता है, मतलब इतने क्वेश्चंस है। अब मैं 10th क्लास में हूँ तो मेरे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और फिर ये बहुत हेल्प करता है कैलकुलेशंस के लिए। ऑल द बेस्ट टेस्ट के लिए। थैंक यू मैम। कहाँ से आए आप? घुमारवी। कहाँ से? घुमारवी। घुमारवी से। अच्छा, आपका नाम क्या है? हर्षिता राणा। हर्षिता राणा, अभी आपका टेस्ट हुआ? जी। कैसा हुआ? अच्छा। अच्छा हुआ। कितने क्वेश्चंस किए आपने? सारे। सारे किए? कितने आए थे? 100। 100 थे? ओके, 100 थे या 200 थे? 100 थे। ओके, पूरे क्वेश्चन किए? कितने मिनट में कर लिया आपने? 6 मिनट 4 सेकंड्स। ओके, तो जो आप अभी अबेकस सीख रहे हो तो कैसा लगता है आपको अबेकस? अच्छा। सीखना कितना अच्छा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अच्छा, आपको और सब्जेक्ट्स में भी इसमें हेल्प मिलती है इससे? यस। किस में? मैथ्स में तो सबसे ज़्यादा मिलती होगी ना? यस।
हेलो, क्या नाम है आपका? कात्यायनी। कहाँ से आए हो आप? हमीरपुर। हमीरपुर से ही हो। अच्छा, आपका टेस्ट हुआ ना अभी? यस। कैसा हुआ? अच्छा हुआ। कितने क्वेश्चंस किए आपने? थोड़े बहुत जगह थे। छोड़ दिए थोड़े बहुत। अच्छा, तो पूरे ठीक थे वो या गलत भी थे कुछ? पता नहीं। पता नहीं। ओके, आपको अबेकस सीखना कैसा लगता है? अच्छा लगता है। कितना अच्छा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। इससे अबेकस सीखने से आपको और सब्जेक्ट्स में भी हेल्प मिलती है? मैथ्स में क्या हेल्प मिलती है उसमें? प्लस प्लस माइनस। प्लस माइनस मल्टीप्लाई के मिलती है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? थर्ड। थर्ड में पढ़ते? अच्छा अच्छा, फिर तो प्लस और माइनस और मल्टीप्लाई के क्वेश्चन होंगे, है ना? ओके, थैंक यू। क्या नाम है आपका? दिव्यम भारद्वाज। कहाँ से आए हो आप? बिलासपुर। बिलासपुर से आए हो। आपको अबेकस सीखना कैसा लगता है? बहुत अच्छा। आज आपका टेस्ट है ना, अभी हो गया? कैसा हुआ? बहुत अच्छा। कितने क्वेश्चंस किए? 150। कितने आए थे आपको? 150 आए हुए थे। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? सेवन्थ क्लास। सेवन्थ में पढ़ते हो। तो आपको अबेकस सीखने से और सब्जेक्ट्स में भी हेल्प मिलती है? किस में? मैथ्स। क्या हेल्प मिलती है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न करने में हेल्प मिलती है। अच्छा, कितने मिनट में कितने क्वेश्चन कर लेते हो आप? मैं करती हूँ, आज तो मैंने 150 क्वेश्चंस किए, वो मैंने किए 6 मिनट्स में, और ऐसे मैं 6 या 7 मिनट्स में कर लेती हूँ और भी क्वेश्चंस। कितने कर लेते हो, मतलब 6 या 7 मिनट में? और कितने क्वेश्चन कर सकते हो आप? मैंने पूरे किए 150। अच्छा, 10 मिनट में आप कितने क्वेश्चन कर सकते हो? मैं कर सकती हूँ 200-300। अबेकस सीखने से पहले भी आप ऐसे ही कैलकुलेशन करते थे या बाद में? उसके बाद में ऐसा हुआ? उसके बाद में हुआ ऐसा। अबेकस सीखने के बाद? अच्छा, आपको क्या लगता है कि आप ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन करते हैं या कैलकुलेटर? मैं करती हूँ। आप करते हो? ओके। हेलो, क्या नाम है आपका? अनिका गुप्ता। कहाँ से हो आप? सुजानपुर। सुजानपुर से आए हो। अच्छा, आप कितना टाइम हो गया आपको अबेकस सीखते हुए? मेरे को हो गया, मैं फर्स्ट क्लास से सीखते आई हूँ अबेकस, और मेरे को हो गए पूरा 3 हफ्ते हो गए मेरे को सीखते हुए। 3 हफ्ते? ओके, तो आपका टेस्ट था अभी? यस मैम। कैसा हुआ? अच्छा हुआ। अच्छा या बहुत अच्छा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। जो कितने क्वेश्चंस आए हुए थे आपको? 100 क्वेश्चंस। 100 क्वेश्चंस, उसमें से कितने किए आपने? पूरे। कितने मिनट में किए? 6 मिनट 35 सेकेंड। ओके, बहुत अच्छी बात है, 3 हफ्तों में इतना ज़्यादा अच्छे से सीख लिया आपने, है ना? मुझे लग रहा है कि आप खुश नहीं हो इससे, हैं क्यों? क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा टाइम लिया। ज़्यादा टाइम लिया, कोई बात नहीं, क्वेश्चंस तो पूरे किए ना। हाँ, तो बस कुछ ना कुछ तो जरूर आओगे। ऑल दी बेस्ट। थैंक यू। क्या नाम है आपका? दीवा शर्मा। कहाँ से हो आप? हमीरपुर। हमीरपुर से ही हो। अच्छा, आपका अभी टेस्ट हुआ? जी। कैसा हुआ? बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा हुआ। कितने क्वेश्चंस आए हुए थे आपको? 150। अच्छा, कितने मिनट में आपने कितने क्वेश्चन किए? 840 मिनट्स में पूरे। 840 मिनट, 8 मिनट 40 सेकंड्स में पूरे 150 क्वेश्चन कर लिए।
क्योंकि बहुत अच्छी बात है। कितना टाइम हो गया आपको अबेकस सीखते हुए? दो तीन मंथ। अच्छा ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि अबेकस सीखने कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। अबेकस सीखने से और क्या, कौन से सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा हेल्प मिलती है? मैथ्स में क्या हेल्प मिलती है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ओके, आपको क्या लगता है कि आप ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन करते हो या कैलकुलेटर? मैं आप करते हो? ओके थैंक यू। क्या नाम है आपका? तन्वी शर्मा। कहाँ से हो आप? हमीरपुर। हमीरपुर से ही हो। कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हो आप? सेवन स्टैंडर्ड। अभी आपका टेस्ट था? यस मैम। कैसा हुआ वो? मैम बहुत अच्छा। कितने क्वेश्चंस आए हुए थे आप? 150। कितने किए आप? मैम 150। कितने मिनट में? सेवन मिनट में। अच्छा मुझे ये बताओ कि अभी का सीखना आपको कैसा लगता है? मैम बहुत अच्छा। कब से सीख रहे हो आप? मैम 6th क्लास के हाफ सेक्शन से। मतलब आधा साल हुआ आपको, 6 महीने हो गया आपको सीखते हुए, है ना? यस मैम। तो आप कितने मिनट में कितने क्वेश्चन कर लेते हो वैसे? मैम मैं 10 मिनट्स में 200-250 या 200 कर सकती हूँ क्वेश्चन। आपको क्या लगता है कि इससे आपको और सब्जेक्ट्स में भी हेल्प मिलती है? यस मैम। किस में? मैम ज़्यादातर तो मैथ में मिलती है। क्या हेल्प मिलती है? मैम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो मुझे ये बताइए कि आप ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन करते हो या कैलकुलेटर? मैं आप ज़्यादा फास्ट करते हो। ओके क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षय चौहान है। अक्षय चौहान, कहाँ से हो आप? घुमारवीं। घुमारवीं से आए हो? घुमारवीं से टेस्ट देने के लिए आए हो यहाँ पे? यस मैम। अच्छा आपको कितने साल हो गए अबेकस सीखते हुए? मैं अभी 6 महीने हुए। 6 महीने हुए। अच्छा आपका टेस्ट था अभी? यस मैम। कैसा हुआ वो? अच्छा हुआ। कितने क्वेश्चन आए हुए थे आपको? 150। उसमें से कितने किए? पूरे किए। कितने मिनट में? 550। अब एक का सीखना कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। कितना अच्छा? बहुत अच्छा। स्टार्टिंग में जब आए थे आप तब भी आपको अच्छा लगता था या तब समझ नहीं आता था कुछ? अच्छा लगता था। अच्छा अब एक का सीखने से आपको और क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं? कि मैथ्स की और जो कैलकुलेशन होती है वो तेज होती है, और जो मल्टीप्लिकेशन होता है जो कुछ बच्चों को वो होता है, मतलब जो कुछ बच्चों का वो धीरे होता है वो तेज हो रहा है। अच्छा तो आप ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन करते हैं या कैलकुलेटर? थोड़ी सी ज़्यादा कर लेता हूँ। कैलकुलेटर से थोड़ा फास्ट कर लेते हैं? हाँ जी। अच्छा 10 मिनट में कितने क्वेश्चन कर लेते हैं आप? कर सकते हैं 200 तक। क्या नाम है आपका? वैश भारद्वाज। कहाँ से हो आप? घुमारवीं। घुमारवीं से टेस्ट देने के लिए आए हो आप यहाँ पे? यस मैम। अच्छा आपका टेस्ट हुआ ना अभी? यस। कैसा हुआ? बहुत अच्छा हुआ। कितने क्वेश्चंस आए हुए थे आप? 150। कितने किए आपने? पूरे किए। कितने मिनट में? 551। 5:51 में आपने 150 क्वेश्चन किए, बहुत अच्छी बात है आपने। अच्छा आपको अब एक का सीखना कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। कितना टाइम हो गया आपको सीखते हुए? मेरे को भी 6 महीने। 6 महीने हो गए, बहुत अच्छी बात है। बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं आप।
आपको ये? टांग में लग गई है। कैसे? फिसल गया था। कहाँ से? कहाँ से? घर में। दोस्त के घर में क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। खेलते खेलते गिर गए। अच्छा, आपका आज अबेकस का टेस्ट था ना? हाँ। कैसा हुआ? अच्छा। इतनी चोट लगी है फिर भी आप पेपर देने आए थे? कब गिरे आप? 20 दिन हो गए। 20 दिन हो गए। अच्छा, आपका टेस्ट कैसा हुआ फिर? अच्छा। अच्छा हुआ। कितने क्वेश्चन आए हुए थे उसमें? क्या? कितने क्वेश्चन आए हुए थे आपको? 100 कितने किए? 100 पूरे किए। कितने मिनट में? 7:36 में आपने 100 क्वेश्चन कर लिए। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अबेकस सीखना आपको कैसा लगता है? अच्छा। कितना अच्छा? बहुत अच्छा। अच्छा, आपने ख्याल रखना फिर, ठीक है? तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन प्रेशर है। बाजू में क्या हुआ आपकी? ऐसे ही हो गया मेरा। कैसे? ऐसे मैं प्रैक्टिस कर रहा था डांस की, तब उस टाइम हो गया। अच्छा, अकेडमी में या घर में? नहीं, घर में हुआ। घर पे? अच्छा, ज़्यादा चोट तो नहीं लगी है? वैसे प्लास्टर तो हुआ है आपके हाथ पे? हाँ जी। मैं क्या, वैसे प्लास्टर तो हो रखा है आपका, मतलब काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है मुझे लग रहा है। हाँ जी। अच्छा, आपका आज अबेकस का टेस्ट था ना? हाँ जी। कैसा हुआ? ठीक ही हुआ। ठीक ही हुआ। कितने क्वेश्चन आए हुए थे? क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन रह गए। आए कितने थे? आगे 150 क्वेश्चन आए थे हमको, वो 10 मिनट्स में करने थे हमें। अच्छा, आपके 7 क्वेश्चन रह गए। अब लिख नहीं पा रहे होंगे ना, बहुत मुश्किल से लिखा होगा आपने। अच्छा, तो ये आपको लगी कैसे है, मतलब? अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपको अबेकस सीखना कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। कब से सीख रहे हो आप? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। अच्छा, अभी कौन से स्टैंडर्ड में हो आप? मैं अब 6th स्टेज में होने वाला हूँ। अच्छा, ओके। बहुत अच्छी बात है कि आप अबेकस सीख रहे हो, बहुत ही अच्छा है। और फिर भी आपके हाथ में लगी है, फिर भी आप देने आए टेस्ट, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। कार जी, सर आप अबेकस के, मतलब आप अबेकस में पढ़ाते हैं बच्चों को, तो आपको क्या लगता है कि बच्चे सीखते हैं कुछ या नहीं सीखते हैं? बच्चे, आज आपने देखा होगा कि किस कैलकुलेशन से बच्चे करते हैं। एक आप कैलकुलेटर साथ में रख ले, आप कैलकुलेटर पे करें, और साथ में मेरा बच्चा करेगा अबेकस के ऊपर, अबेकस मेथड से। कैलकुलेटर फेल हो जाएगा, ये मैं 100% दावे के साथ बोल सकता हूँ, मेरा बच्चा पहले कर लेगा। क्योंकि हमारे पास आज की जो मैंने आज भी देखा होगा, तो मेरे बच्चे ने 4 मिनट में किया, वहाँ पर 4 मिनट में 100 क्वेश्चन, उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन, मतलब 10 डिजिट के होते हैं उसमें, एडिशन सब 2 डिजिट वाले 10 वैल्यूज के क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें बहुत बेनिफिट्स मिलता है बच्चों को। कम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा टाइम मैथ में लगता है। अब बच्चा इसमें कुछ ही सेकंड में कर पाता, जिस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चे के 5 मिनट लगते हैं, वो बच्चा 3 या 4 सेकंड में कर लेता। तो ये पावर है अबेकस की, तभी बोल सकते हैं हम कि अपने बच्चे को आप मैथमेटिक्स एक जीनियस बना सकते हैं अबेकस के थ्रू। Okay, सर कब से स्टार्ट किया हुआ है आपने ये अबेकस का जो इंस्टीट्यूट में अकेडमी है वो? हमीरपुर में हमने 2014 से शुरू किया था, उसके बाद धीरे धीरे हमने पूरे हिमाचल प्रदेश में अपना फ्रेंचाइजी ओपन किए। तो पूरे हिमाचल प्रदेश में, आज पूरे हिमाचल प्रदेश से हमारे यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं। सबसे दूर से कुल्लू से भी आए हमारे पास, बिलासपुर से आए, घुमारबी से आए हुए हैं, सुंदरनगर से भी आए हुए हैं, ऑल ओवर हिमाचल से हमारे बच्चे आए, रामपुर तक के बच्चे यहाँ पर आए हुए आज स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन के लिए। इनमें बहुत ही क्रेज है बच्चों में, आपने देखा कई बच्चों में इतना क्रेज है कि एक बच्चे का टांग टूटी हुई है, उसमें प्लास्टर चढ़ा हुआ, तब करके भी वो बच्चा अपना एग्जाम देने के लिए आ रहा। तो इसको क्रेज नहीं बोल सकते, तो और मैं क्या बोल सकता हूँ। एक बच्चे का बाजू टूटा हुआ कुल्लू से चलकर यहाँ पर आया है। अब आपने इसको स्टार्ट करने में क्या क्या स्ट्रगल्स आए आप? देखिए, हिमाचल प्रदेश में अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर हम ही लेके आए हो अबेकस का। यहाँ पर क्या था, कुछ एक लोगों को तो पता था अबेकस क्या चीज़ होती है, अब आम लोगों को उतना पता नहीं था कि अबेकस क्या है। तो धीरे धीरे हमने 4 बच्चों से स्टार्ट किया हुआ, 4 बच्चों से हमने स्टार्ट किया। उसके बाद आज की डेट में हमारे पास मोर देन 1000 स्टूडेंट हमीरपुर में ही है, इसमें इवन स्कूल्स और अपनी एकेडमी को मिला के सारे हमारे ये बच्चे हैं। तो इसमें जब हमने शुरू किया था 2014 में, तो हमारे लिए एक बहुत ही संघर्ष किया हमने, एक बहुत ही चैलेंजेबल था ये चीज़ हमारे लिए कि कैसे हम पेरेंट्स को बताएं। अब कई होता है, ये होता है कि पेरेंट्स को कई बार ये लगता है कि शायद बच्चा कर पाए नहीं कर पाए। तो हमने क्या किया, हमने वो मेहनत की, वो बच्चा करने लगा, फर्स्ट टाइम ही हमारा बच्चा स्टेट नेशनल लेवल में फर्स्ट रैंक पे आया। जब हमारा बच्चा फर्स्ट रैंक में आया, तब
लोगों को भी विश्वास है कि नहीं अबेकस भी एक अच्छी चीज़ है जिससे हमारा बच्चा कैलकुलेटर से फास्ट भी कर सकता है। उसके बाद लगातार हमारे बच्चे नेशनल लेवल में फर्स्ट सेकंड रैंक आते रहते। एवरी ईयर हमारे तीन या चार चार स्टूडेंट वहाँ पर रैंक में फर्स्ट सेकंड रैंक में आते। ये पूरे इंडिया का कंपटीशन होता है, पूरे इंडिया के बच्चे उसमें हजारों बच्चे आते हैं। उन हजारों बच्चों में हमारे हिमाचल प्रदेश के बच्चे उसमें टॉप रैंक करते हर बार। ये काबिले तारीफ है उन बच्चों का, और उन माता पिताओं का मैं धन्यवाद करूँगा जो अपने बच्चों के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं। थैंक यू सर। आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए हिमाचल प्रदेश में देखो शहरों में ये चीज़ होती है, हिमाचल प्रदेश में अब ये भी शुरू हुई है चीज़। हमने हर सिटी में हमने कोशिश की है कि ये चीज़ शुरू हो, इवन सुजानपुर में हमने शुरू किया। सुजानपुर एक छोटी सिटी है, तो मैं ये पेरेंट्स को ये कहूँगा अगर ये चीज़ है आने वाले टाइम में आपके बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी ये, तो आप इस चीज़ का फ़ायदा लें। क्योंकि ये जो एज ग्रुप रहता है हमारे पास 4 से 14 साल तक के बच्चे ही इसको अच्छे से सीख पाते। अगर बड़े बच्चे की बात करूँ मैं तो उतना अच्छे से नहीं सीख पाता है, ये हमारा एक्सपीरियंस है, मैं दावे से कह सकता हूँ। तो मेरा यही है पेरेंट्स से गुजारिश भी है कि अगर आपको यहाँ पर ये सुविधा मिल रही है तो ज़रूर इसका लाभ उठाए और बढ़ चढ़ कर भाग ले हमारे पास। सर एक लास्ट क्वेश्चन कि आप ये स्टेट लेवल का जो कंपटीशन करवाते हो ये कब से करवा रहे हो? ये हमारा थर्ड स्टेट लेवल कंपटीशन है, इससे पहले हमने 2 बार कर चुके हैं, हमारा थर्ड टाइम है। तो इस थर्ड टाइम में हमारे मोर देन 300 स्टूडेंटों ने पार्टिसिपेट किया था। आज इसमें 100 स्टूडेंट जो क्वालिफाई करके आए थे। अब 100 स्टूडेंटों में अब हमारे इसमें 7 कैटेगरीज है। 7 कैटेगरीज में फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये 3 रैंक में बच्चे आएंगे। उसके साथ साथ हमारे यहाँ पर जो बेस्ट स्पीड अवार्ड दिया जाता है जिस बच्चे की सबसे ज़्यादा स्पीड है, जैसे एक बच्चे ने 4 मिनट में किया है, अब उसने कर तो लिया तो उसको कुछ ना कुछ हमें अप्रिशिएट भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हमने उस बच्चे को एक अलग से प्राइज रखा हुआ है जिन बच्चों की स्पीड है, उन बच्चों की बहुत अच्छी स्पीड है। तो हमारा भी एक दायित्व बनता है कि उन बच्चों को हम थोड़ा सा अप्रिशिएट करें। ये चाहिए।